नमस्कार, आप देख रहे हैं RRN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इटावा में नौरंग गाबा चौराहे पर शुद्ध मिठाइयां जो कि एकदम स्वादिष्ट हैं, और इटावा में पहली बार शुगर फ्री मिठाई और हेल्दी हैं, और यह दुकान विहा संत नाम से फेमस है। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम शेखर जैन। आपकी दुकान का नाम? दिस इज स्वीट कॉर्नर। इस दुकान की स्थापना कब और किस लिए हुई थी? इस दुकान की स्थापना 15 नवंबर 2021 में हुई थी, और लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाने के लिए, और शुगर फ्री जो आजकल चल रहा है उसके लिए स्पेशल चल रहा है। ऐसी क्या खास बात है आपकी दुकान की जो सबसे अलग करती है और दुकानों से? ऐसे कोई खास बात नहीं है, जनरल सभी लोग हर चीज़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी दुकान पे स्पेशल हमने शुगर फ्री सोन पापड़ी व शुगर फ्री मलाई लड्डू व शुगर फ्री रसमलाई वगैरह स्पेशल बनाई हुई है। आपकी दुकान में तरह तरह की वैरायटी हैं, लड्डू हैं, रसमलाई है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इटावा के? रसमलाई पसंद करते हैं। रसमलाई पसंद करते हैं, तो आपकी दुकान किस वजह से इटावा के अंदर फेमस मानी जाती है? वैसे तो हमारी दुकान समोसा की वजह से फेमस मानी जाती है, क्योंकि जैन समोसा पुरानी परम रही है, और ये 2 महीने पहले इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, तो आपने जो उद्घाटन किया किससे करवाया था? हमने जो उद्घाटन किया वो अनाथ बच्चों के माध्यम से किया। अच्छा, बेसहारा बच्चों के माध्यम से। ये ऐसी इकलौती दुकान है, मैं समझता हूँ प्रदेश नहीं जिले में, जिसने उद्घाटन विकलांगों के द्वारा कराया था, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा आगे चल के इस दुकान के लिए? हमारा उद्देश्य तो यही रहेगा कि अधिकतर लोग ऐसी सोच ऐसी भावना बनाए रखें, जो राजनेता वगैरह को बुलाते हैं उनको ना बुलाने के बाद अगर इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाए और इन बच्चों के लिए एक दिन का अच्छा सा भोजन करवाएं, ये सबसे बड़ी बात। तो आपकी ऐसी इटावा भर में कितनी दुकानें हैं? अभी इटावा भर में मेरी दुकान है केवल 5 दुकानें हैं, पर आने वाले समय में हो सकता है कि और। तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा आगे चल के, आज से 5 साल बाद अगर देखें तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों के लिए रोजगार ढूंढना। अच्छा, 5 दुकानें हैं तो 15 वर्कर्स तो मेरे पास काम कर ही रहे हैं। अच्छा। आने वाले समय में अगर 25 दुकानें होंगी तो एक दुकान पर 3 आदमी यानी 25 या 75 लोगों को रोजगार देने का काम रहेगा। तो आप बताइए, इनकी जो दुकान है वो सबसे अलग क्या करती है और दुकानों से क्या मतलब अलग है इन दुकान? गरीब बच्चों का सारा है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगती है जो आप इस दुकान पे आते हो? तो भैया जिले से हूँ। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम भैया दुकान पे आए, तो भैया के ये बात सुनते हैं गरीब बच्चों का सारा है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अच्छा, तो जो समोसे वमोसे कैसे लगते हैं इस दुकान में? बहुत बेस्ट होते हैं। अच्छा, आज के 1.5 साल पहले खा चुके हैं। अच्छा, आप बताइए क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इस दुकान की तरफ आकर्षित करती है? मुझे कचौड़ी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये कचौड़ी खा भी रहे हैं इस समय? अच्छा, तो कचौड़ी आपको आकर्षित कर देती है इस दुकान की तरफ? अच्छा, तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, और ये विष्णु सीट नौरंगाबाद चौराहे पर दुकान है।